नमस्कार। नेक्स्ट एरा थिएटर के रंगमंच पर सभी सुधी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि नेक्स्ट एरा थिएटर के रंगमंच पर हम आपको जयपुर के जाने माने कलाकारों से रूबरू कराएंगे, उसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रोग्राम शामी गजल। और शामी गजल अगर हरबंस ग्रेवाल साहब का नाम ना है तो फिर गजल गजल नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, श्री हरबंस ग्रेवाल साहब और उनके साथ संगत कर रहे हैं जनाब कीबोर्ड पर हबीब खान साहब और तबले पर हैं जसवंत सिंह जी। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लेता हूं और गजल से रूबरू कराता हूं हरबंस ग्रेवाल साहब की पुरकशिश आवाज में, सुनिए। स्पीच पर मैं हरबंस ग्रेवाल अपने साथी कलाकारों की ओर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। शामी गजल की शुरुआत मैं आज निदा फाजी साहब की बहुत ही फेमस बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ कर रहा हूं। बेशक जा
फिलॉसफी है, पूरा दर्शन है। ता उम्र हम जिन चीजों के पीछे भागते रहते हैं और जब हमें मिल जाती है तो हम इसकी कदर नहीं करते हैं। एक और बहुत खूबसूरत शायर है हस्तेवल जी हस्ते, बहुत ही खूबसूरत गजल है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। Thank you.
Thank you.
आज की इस भागती दौड़ते जिंदगी में हर आदमी एक परेशान सा बिना किसी कई बार ऐसे लगता है कि कोई मंजिल नहीं है, फिर भी दौड़ा चला जा रहा है। शहजाद ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है एक गजल की मार्फत, शामिल गजल हो और गजल के किंग मेहदी सन साहब की गाई कोई चीज ना हो तो मैं समझता हूँ कि महफिल अधूरी है। तो एक मेहदी सन साहब की बहुत ही खूबसूरत शहजादी की गजल है, इसके बाद भी आपकी फरमाइश शुरू हो रही है। मर जाएगा, मत सोचा।
एक और बहुत खूबसूरत गजल है, आप गैरों की बात करते हैं, और सुनाइएगा, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए, जब से गए जब से गए हैं किसी अजनबी के साथ सौ दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी।
आज की शाम को एक नज़्म के साथ मैं खत्म तो नहीं करूंगा, एक अगली शाम की अगले शाम के इंतजार के लिए यहाँ पे विराम लेके जाऊंगा। बहुत ही फेमस नज़्म है, बात निकले तो दूर तलक मुझे उम्मीद है नेट थ्रेड के स्पेस से हम जो मैसेज संगीत का थिएटर का आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं वो जरूर आप तक पहुंच रहा है। इसी का ये मैसेज मैं आपको देते हुए इस नज़्म के थ्रू इस बात को आगे तक पहुंचाना चाहूंगा। नेट थिएटर के स्पेस से जितने भी अब तक एक से एक कलाकार आए हैं, आगे भी आप एक से एक उम्दा कलाकारों को यहाँ सुनेंगे। आइए इस नज़्म के साथ हम आज की शाम को यहाँ आगे की शाम के लिए विराम देते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए, उदासी का सबब पूछे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों, उंगलियां नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाए, कांपते हाथों पे बिखरे कसे जाए, लोग जालिम हर एक बात का ताना दे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आए, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे समझ जाए, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बात निकले तो फिर
दोस्तों, ये थी श्यामे गजल और नेक्स्ट एरा थिएटर की ये प्रस्तुति थी। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ हरबंस ग्रेवाल साहब का और हबीब खान साहब का, जसवंत साहब का। जी हाँ, फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी स्टेज पर अगली बार। थैंक यू, शुक्रिया।